हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बिहार की फेमस चने दाल और चावल के आटे का फड़ा। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसे बनाना बेहद ही आसान होता है। ये झटपट से बनके तैयार होने वाली रेसिपी है, बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिए हैं आधा कप चने की दाल, जिसे हमने 4-5 घंटे पानी में भिगो के ले लिए हैं। इसे बनाने से पहले ही पानी में भिगो लें ताकि ये अच्छे से फूल जाए और इसे पीसने में परेशानी ना आए। इसे पीसने के लिए लेंगे एक मिक्सी जार। इसे मिक्सी जार में ले लेंगे। ये तो आधे कप थे, लेकिन भीगने के बाद ये फूल के एक कप हो गए हैं। इसे पीसते समय ही इसमें डाल देंगे 4-5 कलियां लहसुन की और 4 हरी मिर्ची। अगर आप तीखा थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसमें मिर्च की क्वांटिटी को थोड़े से बढ़ा दें। इसमें लहसुन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए अगर आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन ज़रूर डालें। अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। अब इसे पीस लेंगे। इसे बारीक नहीं करेंगे, थोड़ा दरदरा ही पीसेंगे और पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर ज़रूरत लगे तो 1 से 2 चम्मच ही इसमें पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो फड़े बनाने में परेशानी आएगी। चने दाल को हमने पीस लिए हैं, अब इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। चने दाल को मैंने दरदरा ही पीसा है, ज़्यादा बारीक नहीं किए हैं। अभी इसमें नमक या फिर कोई मसाले नहीं मिलाएंगे। नमक अभी डाल देंगे तो इसमें पानी छूट जाएगा, फिर भड़ाबन में परेशानी आएगी। अब इसे साइड रख लेते हैं। इससे पहले एक बर्तन में 1.5 कप पानी गर्म करेंगे। ध्यान रहे जितना हम आटा लेंगे उसके 1.5 गुना पानी डालना है। अब इसे गर्म होने देंगे। पानी गर्म हो चुका है, इसमें डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 चम्मच ऑयल। आप घी भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 कप चावल का आटा। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस को ऑफ कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सूखा आटा बिल्कुल भी ना बचे और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये मिक्स हो चुकी है। अब इस आटे को लगभग 5 से 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे ताकि ये आटा भी थोड़ा ठंडा हो जाए और ये फूल भी जाए अच्छी तरह से। फिर इसको गूंथेंगे। 5 मिनट हो चुका है, आटा भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आटे को एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे ताकि आटा गूंथने में परेशानी ना हो और अच्छे से गूंथ जाए। अब आटे को अच्छी तरह से मसल मसल के अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। अगर गूंथते समय आटा सूखा लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें। आटे को मसल मसल के अच्छा सा चिकना डो तैयार कर लें। जिस तरह का रोटी के लिए आटा गूंथते हैं उसी तरह का आटा हमें लगाना है। आटे का हमने चिकना सा डो तैयार कर लिया है, अब इसे साइड रख लेते हैं। अब फड़े की फिलिंग को तैयार कर लेते हैं। चना का दाल हमने पहले ही पीस लिए थे, इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी और कटा हुआ हरा धनिया। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिलिंग भी हमारी तैयार हो चुकी है, इसे साइड रख लेते हैं। अब इन चावल के आटे की छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। जिस तरह हम पूरी के लिए लोई लेते हैं उसी तरह से छोटी छोटी लोई लेंगे। इसे बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे। मैंने लोइयां बना ली हैं। अब एक लोई लेंगे इस तरह से, इसका गोल पेड़ा बना लेंगे। मैंने चावल के आटे की लोइयां बना ली है। अब थोड़ा सा सूखा आटा ले लेंगे और इस तरह से पहले हाथ से थोड़ा सा फैला देंगे, ना ही इसे ज़्यादा पतला करना है।
और ना ही इसे ज़्यादा मोटा रखना है, बस इसी तरह का छोटी सी हमें पूरी की तरह बेलना है। अब इस पे रख देंगे। अब इसे हाथ पे ऐसे ले लेंगे और इस पे डाल देंगे फिलिंग को। फिलिंग डालने के बाद इसे इस तरह से पैक कर देंगे। तो इस तरह से हमारे चावल के फड़े तैयार हो चुके हैं। मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। थोड़ा सा हाथ से इसे फैला लेंगे, सूखा आटा लगा लेंगे थोड़ा सा, फिर हल्का सा इसे बेल देंगे। ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, हल्के हाथों से ही इसे बेलना है। इस तरह से बेल लेंगे, फिर इसे हाथों पे रखेंगे और इसके ऊपर फिलिंग को डाल देंगे और फिर से इसे पैक कर लेंगे। इसी तरह से सारे फड़े को हम तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने सारे फड़े तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने पहले ही पानी उबलने के लिए रख दिए हैं। अब एक जाली वाला बर्तन लेंगे या फिर इडली स्टैंड भी ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे इस तरह से चारों तरफ से, ताकि फड़े हमारे जो हैं वो बर्तन में चिपके नहीं। अब इसमें फड़े को इस तरह से डाल देंगे। जितने भी फड़े एक बार में आएंगे उतना ही डालना है। अब इसे 10-15 मिनट के लिए हम इसी तरह से पकने देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो ही रखेंगे। 10 मिनट हो चुका है, फड़े को चेक कर लेते हैं। फड़े का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे अब प्लेट में निकाल ले। इसी तरीके से बचे हुए जितने भी फड़े हैं उसे भी हम बना लेंगे। इसे मैंने प्लेट में सर्व कर लिए हैं, देख सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, ये बिल्कुल ऑयल फ्री नाश्ता है, ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसे आप ग्रीन चटनी या टमाटो केचप के साथ सर्व करें, इसके साथ ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। अगर आप इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो इसे आप ऑयल में फ्राई भी कर सकते हैं, मैं ऐसे ही सर्व कर रही हूँ। आप भी बिहारी स्टाइल चने दाल के फड़े को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।